एक सासाराम कहां पर है? बिहार में है। और साथ ही साथ यहां पर शेरशाह सूरी के द्वारा बेटा क्या किया गया था, जीटी रोड की स्थापना की गई थी। और दूसरी बात क्या आती है, आपका फ्रेंड्स शेरशाह सूरी के द्वारा ही फ्रेंड्स यहां पर जप्ती प्रणाली की जो प्रथा है उसके शासनकाल में जो उसका राजस्व मंत्री था टोडरमल उसके द्वारा स्टार्ट की गई थी। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पहले जनगणना किस वर्ष हुई थी? भारत में सबसे पहले जनगणना किस वर्ष हुई थी आपको फ्रेंड्स बारे में बताना है। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत खूब जबरदस्त आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है। सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। वेल डन फ्रेंड्स, वेल डन, आंसर कीजिएगा, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया आंसर कीजिएगा। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है भारत में पहले जनगणना किस वर्ष हुई थी। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1872 के अंदर। कब हुई थी बेटा? 1872 के अंदर भारत में पहले जनगणना हुई थी। साथ ही साथ नियमित जनगणना कब स्टार्ट हो गई थी बेटा? 1881 के अंदर स्टार्ट हो गई थी। 1881 में नियमित जनगणना और भारत में पहली जनगणना कब हुई थी बेटा? 1872 के अंदर हुई थी। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। वेरी गुड फ्रेंड्स, की बेटा बहुत बढ़िया आंसर कीजिएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपका बेटा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या आपके बेटा राय क्या नील नदी है। नील नदी क्या बेटा सबसे लंबी नदी है। नील नदी क्या सबसे लंबी नदी है। अमेज़न नदी सबसे गहरी यहाँ पर क्या चौड़ी नदी है। और कांगो क्या बेटा सबसे गहरी नदी है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाए। भाग्य सागर किस शहर का प्राचीन नाम है आपका फ्रेंड्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारी सीरीज का नया क्वेश्चन आपके सामने है। तो सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। भाग्य सागर किस शहर का प्राचीन नाम है। और आप जिस प्रकार से फ्रेंड्स देख रहे हैं आपको प्रतिदिन यहाँ पर न्यू कंटेंट्स की पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जा रही है जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में आपकी हेल्प करने वाली है। तो आप लोग फ्रेंड्स चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि फ्रेंड्स आपको वक्त पर सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल सके। आपका फ्रेंड्स भाग्य सागर किसको कहा जाता है? हैदराबाद को कहा जाता है। भाग्य सागर किसको कहते हैं बेटा? हैदराबाद को कहते हैं। आपका फ्रेंड्स हैदराबाद करेक्ट आंसर जाएगा। और ये किस नदी प्रसिद्ध है? आपका फ्रेंड्स मूसी नदी प्रसिद्ध है। कौन सी नदी प्रसिद्ध है? मूसी नदी प्रसिद्ध है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाए। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी आपको फ्रेंड्स बताना है। विश्व की पहली यात्री कौन थी आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी दो ध्यान से पिछले आंसर करेंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। वेरी गुड बेटे, कीप इट अप, पंच कीजिएगा। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी वेलेंटिना त्रेस्कोवा है जो क्या है बेटा यहाँ पर विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 वेलेंटिना त्रेस्कोवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पहले रेडियो प्रसारण किस वर्ष हुआ था। भारत में सबसे पहले रेडियो प्रसारण किस वर्ष हुआ था आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेल डन फ्रेंड्स, की बेटा पंच कीजिएगा,
क्या होगा सुष्मिता राइट आंसर। आपको फ्रेंड्स बताना है कि भारत में सबसे पहले रेडियो प्रसारण कब हुआ था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, लाइक एंड अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें, ताकि फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स हैं आपके सेशन यहाँ पर इस बेहतरीन सेशन का फायदा उठा सकें। तो सभी फ्रेंड्स फटाफट से आंसर देंगे कि भारत में सबसे पहले रेडियो प्रसारण किस वर्ष हुआ था, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर फ्रेंड्स 1727 में था। कब हुआ था फ्रेंड्स 1727 में सबसे पहले रेडियो प्रसारण हुआ था, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाए। थार मरुस्थल किस राज्य में है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। थार मरुस्थल किस राज्य में है, सभी प्यारे दोस्त फटाफट से आंसर कीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वेरी गुड बेटे कि बेटा बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर। शाबाश बेटे बहुत बढ़िया आंसर, क्या होगा इसका राइट आंसर। जल को बर्फ बदलने में वक्त लगता है, जल को यानी कि पानी को बर्फ बनने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है, किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, किस्मत को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत को बदलने में वक्त लगता है। सभी फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आप बेटा ये कह दें कि हमारी किस्मत खराब है, किस्मत खराब करने वाले भी हम ही लोग हैं और किस्मत को बेहतर करने वाले भी हम लोग हैं, और वो किससे होगी, आपके हौसलों और मेहनत से होगी। तो अपने हौसलों को बनाए रखें, अपनी मेहनत को इतना ज्यादा कर लें कि आपकी किस्मत अपने आप बदल जाए। यस फ्रेंड्स आंसर कीजिएगा, थार मरुस्थल किस राज्य में है, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान के अंदर स्थित है, राजस्थान फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। फ्रेंड्स आंसर कीजिएगा, राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी, सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन का करेंगे, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। शिवाश बेटे शिवाश आंसर कीजिएगा, राष्ट्रीय गीत की रचना की थी, आपका बेटा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा राष्ट्रीय गीत की रचना की गई थी। इनके द्वारा इसे किससे लिया गया, आनंद मठ से लिया गया। कहाँ से लिया गया बेटा, आनंद मठ से लिया गया है। और हमारे राष्ट्रीय गीत का नाम क्या है, आपका फ्रेंड्स वंदे मातरम है, वंदे मातरम है, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाए। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन काट रहे हैं, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। वेरी गुड फ्रेंड्स की बेटा पंस कीजिएगा, आपका क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर नंबर यहाँ पर 1 भानु अथैया हैं, जिन्हें बेटा सबसे पहले क्या किया गया था 1983 के अंदर ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसके लिए बेटा, ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपसे फ्रेंड्स पूछा गया है, रथ यात्रा प्रत्येक वर्ष कहां से निकाली जाती है, रथ यात्रा प्रत्येक वर्ष कहां से निकाली जाती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा, रथ यात्रा प्रत्येक वर्ष पुरी नामक स्थान से निकाली जाती है। आपका फ्रेंड्स पुरी कहां पर है, उड़ीसा के अंदर स्थित है। पुरी कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर स्थित है। और भगवान जगन्नाथ की यहाँ पर क्या होती है बेटा, यहाँ जो यात्रा है उसको निकाला जाता है। और ये कब निकाली जाती है, आषाढ़ माह, आषाढ़ जो माह होता है उसके शुक्ल पक्ष यानी कि अमावस्या के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को, सेकेंड जो तिथि होती है उसको निकाला जाता है। आपसे पूछा जा सकता है रथ यात्रा प्रत्येक वर्ष कहाँ से निकाली जाती है, पुरी से निकाली जाती है। दूसरी बात आती है किस देशी महीने के अंदर निकाली जाती है, आषाढ़ माह में। आषाढ़ माह में कब, शुक्ल पक्ष में। और फ्रेंड्स कब, सेकेंड जो तिथि होती है उसको इसको निकाला जाता है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके लिए, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिए गए विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, आपको फ्रेंड्स बताना है कि नोबेल पुरस्कार कुल
कितने क्षेत्रों के लिए में दिए गए विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्या होगा इस बेहतरीन क्वेश्चन का बेहतरीन आंसर। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया आंसर कीजिएगा कि नोबल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में बेटा? 6 क्षेत्रों के अंदर दिया जाता है, जिसमें साहित्य, शांति, इसके बाद में फ्रेंड्स आपका अर्थ, जो अर्थशास्त्र है उसके अंदर, आपका फ्रेंड्स रसायन क्षेत्र, भौतिकी क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र, इसके अंदर क्या दिया जाता है? नोबल पुरस्कार दिया जाता है। इस प्रकार से 6 प्रकार से नोबल पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। आपका फ्रेंड्स साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में यहाँ पर फ्रेंड्स अमर्त्य सेन, शांति के क्षेत्र में यहाँ पर फ्रेंड्स मदर टेरेसा होगी, इसके बाद में आपका फ्रेंड्स विज्ञान जो भौतिकी का क्षेत्र उसमें कौन हो गया? सी वी रमन हो गया। इसके बाद में फ्रेंड्स आपका वेंकट रमन है, जो किसके अंदर है? आपका फ्रेंड्स रसायन के क्षेत्र के अंदर। और चिकित्सा में कौन हो जाएगा? आपका फ्रेंड्स यहाँ पर हरगोविंद सिंह खुराना हो जाएंगे। हरगोविंद सिंह खुराना किसके अंदर हो जाएंगे? आपके फ्रेंड्स साहित्य के क्षेत्र के अंदर। इस प्रकार से टोटल 6 होते हैं। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद का प्राचीन नाम क्या था? आपको फ्रेंड्स बारे में बताना है। इलाहाबाद का प्राचीन नाम क्या था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया आंसर कीजिएगा। इलाहाबाद का प्राचीन नाम क्या था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रयाग। इलाहाबाद का प्राचीन नाम था, आपका फ्रेंड्स प्रयाग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन आपकी स्क्रीन पर है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार इस क्वेश्चन को पेपर के अंदर देखा जा रहा है, तो आप लोग फ्रेंड्स ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सलारगंज संग्रहालय, सलारगंज संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। आपका फ्रेंड्स हैदराबाद के अंदर क्या है? सलारगंज संग्रहालय स्थित है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। वेलडन फ्रेंड्स की बेटा, बहुत बढ़िया आंसर कीजिएगा कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आपका बेटा राइट आंसर होगा, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप क्या है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 क्या होगा बेटा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दक्षिण, यहाँ पर क्या, कन्याकुमारी, आपसे क्या पूछ लिया जाए बेटा, कन्याकुमारी किस गोलार्ध में स्थित है, कन्याकुमारी किस गोलार्ध में स्थित है, तो आप एक बात याद रख लेना, चाहे आपसे जम्मू कश्मीर पूछ लें, चाहे आपसे कन्याकुमारी पूछ लें, यदि उनसे उनमें आपसे क्या पूछा गया है, गोलार्ध के बारे में पूछा गया। यदि आपसे क्या पूछा गया बेटा, गोलार्ध के बारे में पूछा गया है, तो आप सभी को किस में करके आएंगे, दक्षिणी गोलार्ध में करके, ठीक है ना। कन्याकुमारी क्योंकि भारत किस में है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित है, तो आपका फ्रेंड्स ये क्या आएगा, उत्तरी गोलार्ध करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुब्बारा किस गैस से फुलाया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। गुब्बारा किस गैस से फुलाया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। यस फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि गुब्बारा किस गैस से फुलाया जाता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, हीलियम गैस से फुलाया जाता है। किससे फ्रेंड्स? हीलियम गैस से। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुल्लू घाटी किस राज्य में स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। कुल्लू घाटी किस राज्य में स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। वेरी गुड फ्रेंड्स, वेल डन, बहुत बढ़िया आंसर कीजिएगा। आप सब फ्रेंड्स का स्वागत है ध्वंसी सक्सेस पॉइंट में। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं, उनको सब्सक्राइब कर लें, लाइकन को प्रेस कर लें, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए। और सभी दोस्त याद रखेंगे, कुल्लू घाटी फ्रेंड्स आपकी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। क्या है? हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। और जहाँ पर किसकी खेती की जाती है? सेबों की खेती की जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कुल्लू घाटी में किस का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो कुल्लू घाटी में सबसे अधिक सेबों का उत्पादन होता है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाए। 2 क्या होगा बेटा? आपका राइट आंसर हो जाए। अधिकतम में घने वनों से
आच्छादित होने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? अधिकतम घने वनों से आच्छादित होने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में पढ़ना है। बहुत बढ़िया बेटा, बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि सबसे ज्यादा घने वन कहाँ पर पाए जाते हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में पढ़ना है। सभी दोस्त याद रखिएगा, आपका फ्रेंड्स मध्य प्रदेश है जहाँ पर क्या पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा घने वन पाए जाते हैं, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 एमपी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एमपी की राजधानी भोपाल, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री और आनंदीबेन पटेल क्या यहाँ के फ्रेंड्स राज्यपाल हैं, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश क्या होगा बेटा आपका राइट आंसर, सभी फ्रेंड्स याद रखिएगा। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। वेरी गुड फ्रेंड्स, वेल डन, बहुत बढ़िया, बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा, वेरी गुड फ्रेंड्स आंसर कीजिएगा, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा चोड़ गंगदेव के द्वारा था, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका चोड़ गंगदेव है जिनके द्वारा बेटा क्या करवाया गया था, यहाँ पर है जगन्नाथपुरी जो आपका मंदिर है उसका निर्माण करवाया गया था, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके लिए, आप इस तरह की भगवान महादेव पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, महादेव पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे सुभाष आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सुभाष बेटे सुभाष बहुत बढ़िया, बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। महादेव पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाए। मध्य प्रदेश क्या होगा आपका राइट आंसर। महादेव पहाड़ियां कहां पर स्थित है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के अंदर, आपका फ्रेंड्स मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाए। मध्य प्रदेश क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके लिए, भारत का सर्वाधिक बड़ा और पुराना नौसेना का जहाज कौन सा है। यस फ्रेंड्स आंसर कीजिएगा, भारत का सर्वाधिक बड़ा और पुराना नौसेना जहाज कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में पढ़ना है। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 विक्रांत जो आपका क्या है फ्रेंड्स जहाज है वो सबसे ज्यादा क्या है पुराना है, साथ ही साथ क्या है सबसे बड़ा जहाज है, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 विक्रांत करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस फ्रेंड्स वेरी गुड आंसर कीजिएगा, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। यस फ्रेंड्स बहुत बढ़िया, बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आपका फ्रेंड्स फटाफट से आंसर आने दीजिए, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर फ्रेंड्स 1784 के अंदर किसके द्वारा की गई थी, मैडम ब्लास्ट की कमा के द्वारा, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा आपका 1784 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1784 क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी फ्रेंड्स याद रखिएगा, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1। आपातकाल की उद्घोषणा कितने माह की होती है, मान लीजिए यदि आपातकाल लगाया जाता है तो आपातकाल को कितने समय के लिए लगाया जाएगा, उसकी जो उद्घोषणा है कितने समय के लिए होगी, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। जो भी फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। यदि आपको फ्रेंड्स पढ़ने में मजा आ रहा है तो लाइक कमेंट को लाइक कर देंगे एंड अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे। आपको फ्रेंड्स पढ़ना है कि आपातकाल की उद्घोषणा कितने महीने की होती है, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर दीजिएगा फटाफट से, क्या होगा इसका राइट आंसर। आपातकाल की उद्घोषणा कितने महीने की होती है, आप
आपका फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 6 महीने के लिए आपातकाल की क्या होती है बेटा, उद्घोषणा होती है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपातकाल की उद्घोषणा कितने महीने के लिए होती है बेटा, 6 महीने के लिए। आपका फ्रेंड्स 6 माह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए आपको फ्रेंड्स बताना है दशमलव पद्धति के आविष्कारक कौन है, दशमलव पद्धति के आविष्कारक कौन है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस फ्रेंड्स आंसर कीजिएगा कि दशमलव पद्धति के आविष्कारक कौन है, एक क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आपका फ्रेंड्स दशमलव पद्धति किसके द्वारा दी गई थी, आर्यभट्ट के द्वारा। सुनने की खोज किसने की थी, आर्यभट्ट ने की थी, और दशमलव की खोज भी किसके द्वारा की गई है, आर्यभट्ट के द्वारा की गई है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। सभी फ्रेंड्स ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। शिवाज बेटे शिवाज बहुत बढ़िया आंसर कीजिएगा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपका फ्रेंड्स 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, कहाँ पर, ढाका के अंदर। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, आगा खान थे। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स, आगा खान। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना हुई थी, आपका फ्रेंड्स 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बेटे आपको बताना है अनुवांशिक किसे कहा जाता है, का जनक किसे कहा, बताना है। सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सब क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ग्रेग मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। अनुवांशिकता के अनुवांशिकी के विज्ञान को अनुवांशिकता किसके द्वारा कहा गया है, वाटसन द्वारा कहा गया। आप फ्रेंड्स इसे भी याद रख लेंगे, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेंडल कर वो आपका गलत है। यदि आपसे पूछा जाता है अनुवांशिकता अनुवांशिकी के विज्ञान को अनुवांशिकता किस अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी किसने कहा है, तो आपका फ्रेंड्स वहां पर क्या होगा, वाटसन होगा। ठीक है ना, वाटसन हो जाए। बिल्कुल फ्रेंड्स आप सभी के कमेंट्स आने लग रहे हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, पटना का प्राचीन नाम क्या था आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। पटना का प्राचीन नाम क्या था आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी दोस्त ध्यान से करेक्ट आंसर। शिवाज बेटे वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि पटना का प्राचीन नाम क्या था आपका फ्रेंड्स आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। पटना का प्राचीन नाम क्या था बेटा, पाटलिपुत्र। पटना आपकी कहाँ है, बिहार की राजधानी है। यहाँ पर फ्रेंड्स मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार है। साथ ही साथ राज्यपाल कौन है, फागू चौहान है। साथ ही साथ स्वच्छता के जब आंकड़े निकाले गए उसमें पटना सबसे दूषित शहरों की गिनती में सबसे आगे रहा है। यदि दूषित शहरों की बात की जाती है तो पटना क्या रहा है फ्रेंड्स, सबसे आगे रहा है। आपका इंदौर शहर क्या है, सबसे यहाँ पर स्वच्छ शहर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र। मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। मैं आने वाले कल से नहीं डरता, मैं आने वाले कल से नहीं डरता क्योंकि मैंने मेरा बीता हुआ कल देखा है जो संघर्षों से भरा हुआ था। ठीक है ना, आपने बेटा जिसने लगातार यहाँ पर संघर्ष किया है वो बच्चा कभी भी आगे संघर्ष करने से नहीं घबरा, तक स्ट्रगल से ही अपनी क्या है मुकाम को हासिल किया है। आपका फ्रेंड्स यार करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक बात याद रख लेना, बिना संघर्ष के कुछ भी हासिल नहीं होता। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बिहार करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी फ्रेंड्स याद रखिएगा, कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया आंसर कीजिएगा, कौन सी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। आपका फ्रेंड्स नर्मदा नदी है जो फ्रेंड्स क्या करती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा और ताप्ती दो नदियां हैं जो फ्रेंड्स क्या नहीं करती है, कभी भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ये निर्माण करती है किसका, एस्चुरी का। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 नर्मदा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ थी,
पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ थी आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड फ्रेंड्स, के बेटा पास कीजिएगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ थी आपको बेटा इसके बारे में बताना है। आपका बेटा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अजमेर के अंदर क्या थी बेटा पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर पृथ्वीराज चौहान राजधानी अजमेर के अंदर स्थित थी। ओलंपिक में पदक जीत है ओलंपिक में पदक जीतने वाले फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी दोस्त ध्यान से सर, यस बेटे शाबाश, बहुत बढ़िया आंसर कीजिएगा। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? आपका फ्रेंड्स कर्णम मलेश्वरी है, जो ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन यहाँ पर कर्णम मलेश्वरी करेक्ट आंसर होगा। क्या है वो? वेट लिफ्टर। कर्णम मलेश्वरी क्या है बेटा? वेट लिफ्टर है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाए। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है कौन सा है? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेल्डन फ्रेंड्स की बेटा पंस कीजिएगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आपका बेटा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अप्सरा। आपका फ्रेंड्स अप्सरा क्या है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। आपका फ्रेंड्स अप्सरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्यभट्ट क्या है? सैटेलाइट है। आर्यभट्ट क्या है? सैटेलाइट। और मैंने तुमसे क्या पूछा है? मैंने तुमसे पूछा है परमाणु रिएक्टर। परमाणु रिएक्टर कौन सा है? आपका फ्रेंड्स अप्सरा। और आर्यभट्ट क्या है? तुम्हारा सैटेलाइट है। ऑप्शन नंबर 1 अप्सरा करेक्ट आंसर हो जाए। अप्सरा क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाए। घटोत्कच किसका पुत्र था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस फ्रेंड्स आंसर कीजिएगा, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। घटोत्कच किसका पुत्र था बेटा? भीम का पुत्र था। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर का। और ये भीम और जो दासी यहाँ पर क्या थी उन दोनों का पुत्र था। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीन का वृत्तम उत्पादक देश कौन सा है? टीन का वृत्तम यानी कि टीन सबसे ज्यादा कहाँ पर उत्पादन किया जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस फ्रेंड्स की बेटा पंस कीजिएगा, टीन का वृत्तम उत्पादक देश कौन सा है? सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। वेरी गुड फ्रेंड्स की बेटा बहुत बढ़िया आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर मलेशिया। मलेशिया क्या बेटा? टीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आपका फ्रेंड्स मलेशिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। मलेशिया क्या होगा बेटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। मंत्रिपरिषदें किसके प्रति उत्तरदायी होती हैं? मंत्रिपरिषदें किसके प्रति उत्तरदायी होती हैं? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेल्डन फ्रेंड्स बहुत बढ़िया आंसर कीजिएगा कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आपका बेटा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आपका फ्रेंड्स लोकसभा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा क्या होगा करेक्ट आंसर? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। इसके अंदर उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? आपके फ्रेंड्स 552 सदस्य होते हैं। एज कितनी होती है? 25 वर्ष इसकी एज होती है। साथ ही साथ राष्ट्रपति के द्वारा 85वें आर्टिकल के द्वारा लोकसभा को क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है। और ये आपकी क्या होती है? निम्न सदन होता है। क्या होता है बेटा? निम्न सदन होता है। तो आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाए। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको लंबी आयु दे। आप बेटा अपने माँ बाप का, अपने परिवार का नाम रोशन करें और अपने जीवन के अंदर अपनी एक ही पहचान बनाए। हम तो भगवान से यही दुआ करेंगे। वेरी गुड फ्रेंड्स की बेटा बहुत बढ़िया आंसर कीजिएगा कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? आपका फ्रेंड्स विटामिन डी होता है। कौन सा विटामिन होता है बेटा? सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर विटामिन डी का टेंशन है, जिसको क्या कहा जाता है? कैल्सिफेरॉल। आपका फ्रेंड्स कैल्सिफेरॉल की कमी से बच्चों के अंदर रिकेटस और बड़ों के अंदर क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया की बीमारी हो जाती है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाले प्रथम सुल्तान कौन थे? आपको फ्रेंड्स बताना है कि दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाले प्रथम सुल्तान कौन थे? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी दोस्त ध्यान से कृष्ण का आंसर करेंगे, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सभी दोस्त ध्यान से कृष्ण का आंसर करेंगे कि दक्कन के पठार पर विजय प्राप्त करने वाले प्रथम सुल्तान कौन थे? आपका बेटा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर एक अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी क्या है बेटा? आपके दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाले पहले सुल्तान है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाए। प्रणाम बेटा, प्रणाम सभी को, प्रणाम। आप सब फ्रेंड्स का स्वागत है वंशी सक्सेस पॉइंट में। राम राम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसे हैं भाई आप सभी फ्रेंड्स? आंसर कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का। सुंदरवन मुख्यतः किस लिए प्रसिद्ध है? सुंदरवन मुख्यतः किस लिए प्रसिद्ध है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, आंसर कीजिएगा कि सुंदरवन मुख्यतः किस लिए प्रसिद्ध है? सभी दोस्त ध्यान से कृष्ण का आंसर करेंगे, क्या है इसका करेक्ट आंसर? आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है बेटा? बाघ के लिए प्रसिद्ध है। आपका फ्रेंड्स बाघ करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सुंदरवन किससे बनता है? गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा पर स्थित है। साथ ही साथ इसके अंदर क्या पाए जाते हैं फ्रेंड्स? सुंदरी नामक वन पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका नाम क्या रखा गया है? सुंदरवन रखा गया है। अगली बात ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है ना? सुंदरवन डेल्टा क्या बेटा? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर दो करेक्ट आंसर हो जाए। खुदा बख्श, यस फ्रेंड्स, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको फ्रेंड्स बताना है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। सभी दोस्त ध्यान से कृष्ण का आंसर करेंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर? आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर दो, 1891 के अंदर खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना की स्थापना हुई थी 1891 के अंदर। आपका फ्रेंड्स 1891 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किशनपुर किस नगर का प्राचीन नाम था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। किशनपुर किस नगर का प्राचीन नाम था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं उन्हें बता दें फ्रेंड्स, सुबह 6 बजे रहेगी आपकी करंट अफेयर की क्लास, 6:30 लोशन स्पीडी का महासंग्रह, 8:30 रहेगी आपकी जनसाइंस की क्लास, 11 बजे रहेगी फ्रेंड्स आपकी रीजनिंग की क्लास और 12:30 बजे रहेगी आपकी जीके क्लास। तो जिन फ्रेंड्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए, आपका फ्रेंड्स कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। वेरी गुड फ्रेंड्स, वेल डन, बहुत बढ़िया, आंसर कीजिएगा। किशनपुर किस नगर का प्राचीन नाम है? आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 रांची का। आपका फ्रेंड्स रांची करेक्ट आंसर हो जाए। रांची क्या होगा बेटा? आपका करेक्ट आंसर हो जाए। भारी जल परियोजना कहाँ स्थित है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भारी जल परियोजना कहाँ स्थित है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी दोस्त ध्यान से कृष्ण का आंसर करेंगे, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस बेटे शबाश, आंसर कीजिएगा कि भारी जल परियोजना कहाँ स्थित है? सभी दोस्त ध्यान से कृष्ण का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, तलचर। आपका फ्रेंड्स तलचर क्या है? भारी जल परियोजना है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 तलचर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दशमलव पद्धति के आविष्कारक कौन है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। दशमलव पद्धति के आविष्कारक कौन है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी दोस्त ध्यान से कृष्ण का आंसर करेंगे, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? वेल डन फ्रेंड्स, की बेटा बहुत बढ़िया, आंसर कीजिएगा कि दशमलव पद्धति के आविष्कारक कौन है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आपका बेटा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 आर्यभट्ट। आर्यभट्ट है जो दशमलव पद्धति के आविष्कारक है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कन्फ्यूजिस का असली चीनी नाम क्या था? आपको फ्रेंड्स बताना है, कन्फ्यूजिस का असली चीनी नाम क्या था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस फ्रेंड्स, आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस बेटा शबाश, आंसर कीजिएगा, कन्फ्यूजिस का असली चीनी नाम क्या था? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा कुंजजू। वो क्या था बेटा? कुंजजू था, जो क्या था? कन्फ्यूजिस का असली चीनी नाम था। आपका फ्रेंड्स
कुंज जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी फ्रेंड्स याद रखिएगा ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स 2। नेक्स्ट आपके लिए आपसे फ्रेंड्स पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आप लोगों का बेटा विश्वास है ना, दो तीन क्वेश्चन करते ही डगमगाना स्टार्ट हो जाता है, दो तीन क्वेश्चनों के अंदर ही आप लोग क्या यहाँ पर बस ये मैं तो फिर क्लीन बॉन्ड हो गया, इस प्रकार से जो आपकी फीलिंग्स है ना अंदर से आनी स्टार्ट हो जाती है। यदि बेटा इन्हीं तरह से आप लोग अपने स्ट्रगल से पीछे हटते रहोगे, कैसे बात बनेगी, ऐसे बात नहीं बनेगी बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, आपका फ्रेंड्स यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स आपका 1 पेरिस के अंदर स्थित है, पेरिस आपका बेटा करेक्ट आंसर हो जाए। पेरिस क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, इसकी स्थापना कब हुई थी, 11 दिसंबर 1940 को हुई थी। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, 11 दिसंबर 1940 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है फ्रेंड्स, पेरिस के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है आपके लिए, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। यस फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया आंसर कीजिएगा, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है, सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। जब तुम्हारा हौसला आसमान में जाएगा, जब तुम्हारा हौसला आसमान में जाएगा, होशियार है ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। तो आपको फ्रेंड्स जब जब आपका हौसला बढ़ता है तो कहीं ना कहीं नकारात्मक भावनाएं जो आपके मन में, हम लोगों को और किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं है, हमारे अंदर जो एक नकारात्मक जो भावना है वही क्या कर रही है फ्रेंड्स, हमको आगे बढ़ने से रोक रही है, क्या कर रही है आगे बढ़ने से रोक रही है। तो बेटा आप लोग अपनी नकारात्मक भावनाएं हैं उनको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाइए, ताकि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अच्छी चीजें सीखने को मिल सके। आपका फ्रेंड्स पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 ऑक्सीजन गैस करेक्ट आंसर हो जाएगा। म्यादी बुखार से कौन सा अंग प्रभावित होता है, म्यादी बुखार से कौन सा अंग प्रभावित होता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया आंसर कीजिएगा कि म्यादी बुखार से कौन सा अंग प्रभावित होता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 आते प्रभावित होती है, क्या होती है बेटा इंटेस्टाइन है प्रभावित होता है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर म्यादी बुखार से कौन सा अंग प्रभावित होता है, आपका फ्रेंड्स आते हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए आपको फ्रेंड्स बताने हैं कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया आंसर कीजिएगा, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वेरी गुड फ्रेंड्स, कि बेटा बहुत बढ़िया आंसर कीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 क्या होगा बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्यूबराइट किसका अयस्क है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। ट्यूबराइट किसका अयस्क है, सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे और भाई हमें भी मोटिवेट करेंगे। आपका फ्रेंड्स लाइक काउंटर काफी नीचे चल रहा है, तो सभी मेरे दोस्त फटाफट से लाइव सेशन को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए। एक बार फ्रेंड्स आपका व्यूज को देखना और तुम्हारे लाइक्स को देखना, इतना इतना थोड़ी ना डिफरेंस होता है, ले भाई 250 का डिफरेंस हो जाए, 5-10 का डिफरेंस हो जाए, आप लोग तो यार इतना इतना डिफरेंस रखते हो तो गलत बात है। हम लोगों को सिर्फ आपसे मोटिवेशन चाहिए कि हम लोग जो कंटेंट आपको करवा रहे हैं वो आप लोग को पसंद आ रहा है, आप लोग उसके साथ जुड़ना चाहते हैं और यही आपका फीडबैक होता है, ठीक है ना। जो कंटेंट हम लेके आ रहे हैं उसका फीडबैक आपके लाइक और डिसलाइक के अंदर होता है, तो आप लोग फ्रेंड्स अपना यहाँ पर फीडबैक जरूर दें, ताकि फ्रेंड्स हमें भी पता चल सके हमारे दोस्तों को हमारी क्लासेस कैसी लगती हैं। तो अपने फीडबैक को जरूर दिया करो, आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स
क्यूपराइट किसका प्रमुख अयस्क है? आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर एक तांबे का, आपका फ्रेंड्स तांबा का टर्न सेगा। एल्युमिनियम का क्या होता है बेटा? बॉक्साइट होता है। और तांबे का क्या होता है? क्यूपराइट होता है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर एक तांबा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तांबा क्या होगा बेटा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड फ्रेंड्स, ये बेटा बहुत बढ़िया आंसर कीजिएगा कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सभी मेरे प्यारे दोस्त फटाफट से आंसर कीजिएगा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। वेरी डन फ्रेंड्स, ये बेटा बहुत बढ़िया आंसर कीजिएगा। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं उन्हें बता दें फ्रेंड्स, शाम को 5:30 बजे रहेगी आपकी जनसाइंस की क्लास, 7 बजे रहेगा आपका मॉक टेस्ट, 7:15 पर रहेगी आपकी जनरल अवेयरनेस की क्लास। प्रत्येक दिन की सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और वह फटाफट से लाइक काउंटर को लाइक कर देंगे एंड अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे। लाइक काउंटर को भाई बराबर करो। आपका जितने बच्चे यहाँ पर हमारी क्लास में मौजूद हैं कम से कम उनका फीडबैक हमें मिले, साथ ही साथ उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वाशिंगटन डीसी के अंदर क्या है फ्रेंड्स? आपका विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। आपका फ्रेंड्स वाशिंगटन डीसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाशिंगटन डीसी क्या होगा फ्रेंड्स? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? आपको फ्रेंड्स बताना है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया आंसर कीजिएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? शोक उड़ान की रखते हो तो बाज बनो, वरना यूं तो कोए भी आसमान में उड़ते हुए बहुत देखते हैं। ठीक है ना, यदि तुम्हें शौक है उड़ान है उठने का, यदि आपको कुछ हासिल करने का अपने सपने को पूरा करने का शौक है तो उस बाज की तरह बनिए। जो बाज यदि जब आसमान में अपने पंखों को खोलता है तो उसकी ऊंचाइयों को नापने वाला कोई नहीं होता। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यदि बनना है तो बाज की तरह बनिए, वरना कोए तो बहुत उड़ रहे हैं आसमान के अंदर। ठीक है ना, यहाँ पर सभी हैं जो मेहनत के नाम पर अपना ढिंडोरा पीटने लग रहे हैं, यदि तुम भी उन कोओं में शामिल हो तब तो क्या कहना है। यदि बनना है तो वास्तविकता में बाज बनो जो तुम्हारी ऊंचाई है सबसे ऊपर दिखाई दे। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो गया। ट्रांजिस्टर का अर्धचालक किसका बना होता है? ट्रांजिस्टर का अर्धचालक किसका बना होता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया आंसर कीजिएगा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आपको फ्रेंड्स बताना है ट्रांजिस्टर का अर्धचालक किसे कहा जाता है? आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ट्रांजिस्टर का अर्धचालक बेटा आपका जर्मेनियम को कहा जाता है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 जर्मेनियम करेक्ट आंसर हो जाए। जर्मेनियम क्या होगा बेटा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांजिस्टर का अर्धचालक जर्मेनियम को कहा जाता है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दादा साहेब फाल्के का संबंध किस क्षेत्र से है? या फिर आपको बेटा बताना है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपको फ्रेंड्स के बारे में बताना है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आपसे फ्रेंड्स को बता दें आपकी 11 बजे रहती है बेटा प्रतिदिन यहाँ पर रीजनिंग की क्लास, 12:30 बजे रहेगी आपकी जीके क्लास और 2 बजे रहेगी आपकी जनरल अवेयरनेस की क्लास। तो जिन फ्रेंड्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि फ्रेंड्स आपके पास वक्त पर सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंच सके। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 सिनेमा के क्षेत्र में। आपका फ्रेंड्स सिनेमा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा स्पेन का। स्पेन का क्या बेटा राष्ट्रीय खेल? सांडों की लड़ाई है, बुल फाइट है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाए। 3 क्या होगा बेटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता। सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। वेल डन फ्रेंड्स, बहुत क्लूब बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा।
दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर एक विटामिन सी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता फ्रेंड्स? विटामिन सी नहीं पाया जाता है। आपका फ्रेंड्स विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल, कमी से सकरवी रोग और पाइलिया रोग, साथ ही साथ इसका सबसे अच्छा स्रोत किसको मानते हैं? आंवले को माना जाता है। नेक्स्ट है आपके लिए, थर्ड आई का संबंध किस खेल से है? थर्ड आई का संबंध किस खेल से है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जिद हो अगर है पाने की, जिद हो अगर पाने की तो हर सपना हकीकत में बदल जाता है। यदि फ्रेंड्स आप किसी चीज को पाने की जिद कर लेते हैं कि मुझे तो इस चीज को हासिल करना है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, तो आपका फ्रेंड्स वो जिद ही क्या है, आपके सपनों को हकीकत में बदलने का काम करती है। तो अपनी जिद है उसको इतना ज्यादा कर लीजिए कि आपको सिर्फ अपने सपने के अलावा कुछ भी दिखाई ना दे। थर्ड आई बेटा किसके अंदर होता है? ऑप्शन नंबर तीन क्रिकेट के अंदर होता है। अरे ओ भाइयों, तुम लोग क्रिकेट देखने के बावजूद गलत करने लग रहे हो, हद हो गई यार। कहीं आईपीएल चलता है कंधे, कभी वन डे कभी टेस्ट सीरीज, यहाँ पर तुम लोगों ने नाक में दम कर रखा है इन चीजों के चक्कर में, और तुम लोगों को ये नहीं पता कि थर्ड आई किस में होता है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्रिकेट में। आपका फ्रेंड्स क्रिकेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्यभट्ट किसे शासक के दरबार में रहते थे? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आर्यभट्ट किस शासक के दरबार में रहते थे? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत तो अच्छी आपकी तैयारी है, सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आर्यभट्ट किसे शासक के दरबार में रहते थे? आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा, चंद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। आपका फ्रेंड्स चंद्रगुप्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में आर्यभट्ट उनके दरबार में रहते थे। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर दो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? आपको फ्रेंड्स के बारे में बताना है। आपसे फ्रेंड्स का स्वागत है सक्सेस पॉइंट में। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए, आपका फ्रेंड्स को नोटिफिकेशन मिस ना हो। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर एक बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए बेटा? बाघ के लिए प्रसिद्ध है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। श्री श्लेषम परियोजना किस नदी पर बनी है या बना है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। श्री श्लेषम परियोजना किस नदी पर बना है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। वेरी गुड फ्रेंड्स, की बेटा बहुत बढ़िया आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। श्री श्लेषम नदी परियोजना किस नदी पर बनी है? आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, कृष्णा नदी पर बनी है। किस पर बनी है बेटा? कृष्णा नदी पर बनी है। आपका फ्रेंड्स कृष्णा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी फ्रेंड्स याद रखिएगा, सिमलीपाल बेटा आपका उड़ीसा के अंदर स्थित है। कृष्णा नदी पर क्या बनी है बेटा? श्री श्लेषम परियोजना बनी है। सभी फ्रेंड्स याद रखिएगा, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर एक कृष्णा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृष्णा क्या होगा बेटा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, आपका नर्मदा पर कौन सी है? सरदार सरोवर बांध है। आपका नर्मदा के ऊपर बेटा कौन सी परियोजना है? सरदार सरोवर बांध है। और आपकी गोदावरी नदी के ऊपर कौन सा है? आपका पंचम पाद पार्क है, जो आपका परियोजना बनी हुई है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। एलजी किस देश की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है? आपको फ्रेंड्स बताना है एलजी किस देश की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। एलजी किस देश की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है? आपका फ्रेंड्स 59 का दो है, दक्षिण कोरिया की। किसकी बेटा? दक्षिण कोरिया की कंपनी है। कौन सी? एलजी। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर दक्षिण कोरिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण कोरिया क्या होगा फ्रेंड्स आपका राइट आंसर। सभी फ्रेंड्स याद रखिएगा। आपका फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, इग्नाइटेड माइंड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है या किसके द्वारा उसे लिखा गया है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। इग्नाइट माइंड्स के लेखक कौन है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है, या ये पुस्तक किसने लिखी है? सभी फ्रेंड्स ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। मैडम फ्रेंड्स के बेटा बहुत बढ़िया आंसर कीजिएगा, इग्नाइट माइंड्स के लेखक कौन है? आपका फ्रेंड्स 60 का तीन करेक्ट आंसर होगा, एपीजे अब्दुल कलाम। कौन है बेटा? एपीजे अब्दुल कलाम है, जिनके द्वारा इग्नाइट
इग्नाइट माइंड्स को लिखा गया है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 एपीजे अब्दुल कलाम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है और साथ ही साथ 1997 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हेजा रोग किसके कारण होता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। हेजा रोग किसके कारण होता है, सभी फ्रेंड्स ध्यान से कृष्ण का आंसर करेंगे, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वेरी गुड फ्रेंड्स, की बेटा बहुत बढ़िया आंसर कीजिएगा कि हेजा रोग किसके कारण होता है, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 61 का 2 है, जीवाणु के कारण होता है। हेजा रोग किसके कारण होता है बेटा, जीवाणु के कारण होता है, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाए। 2 क्या होगा बेटा, आपका करेक्ट आंसर हो जाए। रेडियम का आविष्कार किसने किया था, रेडियम का आविष्कार किसने किया था, आपको फ्रेंड्स के बारे में बताना है। यस फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया आंसर कीजिएगा कि रेडियम का आविष्कार किसने किया था, सभी दोस्त ध्यान से कृष्ण का आंसर करेंगे, क्या हुआ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वेडन फ्रेंड्स की बेटा पंस कीजिएगा, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। सभी दोस्त ध्यान से कृष्ण का आंसर करेंगे कि रेडियम का आविष्कार किसने किया था, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 मैडम क्यूरी ने किया था, आपका फ्रेंड्स मैडम क्यूरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जारवा कहाँ की मुख्य प्रजाति है, जारवा कहाँ की मुख्य जनजाति है, आपको फ्रेंड्स के बारे में बताना है। सभी दोस्त ध्यान से कृष्ण का आंसर कीजिएगा, क्या है इसका करेक्ट आंसर। जारवा कहाँ की प्रमुख जनजाति है, आपको फ्रेंड्स के बारे में बताना है। आपका बेटा करेक्ट आंसर होगा जारवा बेटा, आपकी अंडमान निकोबार की प्रमुख जनजाति है। जारवा कहाँ की बेटा, अंडमान निकोबार की प्रमुख जनजाति है, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। 3 क्या होगा बेटा, आपका करेक्ट आंसर होगा जारवा कहाँ की प्रमुख जनजाति है, तो बेटा आपका करेक्ट आंसर अंडमान निकोबार की। अंडमान निकोबार के अंदर ओजे, क्या ओजे, जारवा, जरना, सेंट लीज, आपका फ्रेंड्स अंडेमानी और निकोबारी, ये सारी की सारी क्या है, जनजातियां हैं आपकी फ्रेंड्स, ये सारी की सारी क्या है वहां पर जनजातियां हैं, सभी फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा। जारवा, ओजे, जरना, अंडेमानी, निकोबारी और सेंट लीज, ये सारी की सारी जनजातियां कहाँ की है फ्रेंड्स, आपकी अंडेमान की है, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, आपको फ्रेंड्स के बारे में बताना है। सभी फ्रेंड्स बहुत बढ़िया आंसर कीजिएगा, क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर। शमाज बड़े बहुत बढ़िया आंसर कीजिएगा कि भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति। कौन करता है बेटा, राष्ट्रपति करता है, आपका फ्रेंड्स राष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी फ्रेंड्स याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पानी का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है, पानी का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है, सभी दोस्त ध्यान से कृष्ण का आंसर करेंगे, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आप सब फ्रेंड्स को बता दें 11 बजे रहेगी आपकी फ्रेंड्स रीजनिंग की क्लास, 12:30 बजे रहेगी आपकी जीके की क्लास, 2 बजे रहेगी आपकी जनरल अवेयरनेस की क्लास और शाम को 5:30 बजे रहेगी जनरल साइंस की क्लास। तो जिन फ्रेंड्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए, आपका फ्रेंड्स को नोटिफिकेशन मिस ना हो। आपको फ्रेंड्स बताना कि पानी का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर, आपका फ्रेंड्स 4 डिग्री सेल्सियस का राइट आंसर हो जाए। 4 डिग्री सेल्सियस क्या होगा बेटा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेल्डन फ्रेंड्स की बेटा बहुत बढ़िया आंसर कीजिएगा कि रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, सभी मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से कृष्ण का आंसर करेंगे, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। शुभाष बेटे शुभाष बहुत बढ़िया, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कर्नाटक राज्य के अंदर क्या होता है बेटा, रेशम का सबसे अधिक उत्पादन होता है, आपका फ्रेंड्स कहवा के अंदर भी क्या होता है सबसे अधिक, आपका फ्रेंड्स कहवा का उत्पादन भी सबसे अधिक कर्नाटक के अंदर होता है, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड फ्रेंड्स की बेटा बहुत बढ़िया आंसर कीजिएगा, क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर।
पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक है महेंद्रगिरी। आपका फ्रेंड्स महेंद्रगिरी है जो सबसे ऊंची चोटी है। आपका फ्रेंड्स महेंद्रगिरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस फ्रेंड्स के बेटा पंस कीजिएगा कि सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। आपका बेटा राइट आंसर होगा सूर्य की सतह का तापमान यहाँ पर क्या होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स आपका 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुद्र का पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। समुद्र का पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। वेल डन फ्रेंड्स की बेटा बहुत बढ़िया आंसर कीजिएगा कि समुद्र का पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है। तो आपका बेटा करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर क्या? आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर संवहन के द्वारा होता है। आपका फ्रेंड्स संवहन करेक्ट आंसर हो जाए। संवहन क्या होगा बेटा आपका राइट आंसर जाएगा। सभी फ्रेंड्स याद रखिएगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोरिया किस राज्य की जनजाति है? सोरिया किस राज्य की जनजाति है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेल्डन फ्रेंड्स के बेटा बहुत बढ़िया आंसर कीजिएगा कि सोरिया किस राज्य की जनजाति है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेल्डन फ्रेंड्स के बेटा बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 झारखंड की। कहाँ की बेटा? झारखंड की है। कौन सी? सोरिया जनजाति। आपका फ्रेंड झारखंड की कौन सी है? सोरिया जनजाति। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। वेरी गुड फ्रेंड्स बहुत बढ़िया आंसर कीजिएगा कि शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। वेल्डन फ्रेंड्स बेटा बहुत बढ़िया आंसर कीजिएगा कि शरीर में पित्त यानी कि बिलजूस का निर्माण कहाँ पर होता है? आपका फ्रेंड्स यकृत के अंदर होता है। आपका बेटा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर 3 है यकृत करेक्ट आंसर। यकृत क्या होगा फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके लिए कपास किससे प्राप्त होती है? कपास किससे प्राप्त होती है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आंसर कीजिएगा कपास किससे प्राप्त होती है? वेरी गुड फ्रेंड्स की बेटा आंसर कीजिएगा कि कपास किससे प्राप्त होती है? आपका फ्रेंड ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 करेक्ट आंसर होगा। 1 क्या होगा? 1 करेक्ट आंसर देंगे। नमस्ते आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 फल करेक्ट आंसर जाएगा कि आपका कपास किससे प्राप्त होती है? फ्रेंड्स से फल से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर आपका 1 फल करेक्ट आंसर। फल क्या होगा फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट है आपके लिए आपको फ्रेंड्स बताना है लुकमिया एक प्रकार का कैंसर है। लुकमिया क्या है? एक प्रकार का कैंसर है जिसमें साधारण बढ़ोतरी होती है। आपको फ्रेंड्स बताना है कि लुकमिया में किसकी बढ़ोतरी होती है? सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। लुकमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें साधारण बढ़ोतरी होती है। किसकी बढ़ोतरी होती है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेलन फ्रेंड्स के बेटा बहुत बढ़िया आंसर कीजिएगा क्या हुआ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपका फ्रेंड्स कह देगा कि लुकमिया एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है। लुकमिया क्या होता है बेटा? एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है और जिसके अंदर बढ़ जाती है क्या आपकी फ्रेंड्स व्हाइट ब्लड सेल। उसके अंदर क्या बढ़ती है? आपके फ्रेंड्स व्हाइट ब्लड सेल है तो डेवलप हो जाती है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर श्वेत रक्त कणिकाओं या कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बॉक्साइट किसका अयस्क है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बॉक्साइट किसका अयस्क है? सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। वेल फ्रेंड क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सभी दोस्त फटाफट से दीजिएगा। बॉक्साइट किसका अयस्क है? आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 एल्यूमिनियम का अयस्क क्या बेटा? बॉक्साइट है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 एल्यूमिनियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिपिटक है प्रसिद्ध पुस्तक है। त्रिपिटक है प्रसिद्ध पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्या हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? होसला के तर्कश में
कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद रखो। जब तक बेटा आपके हौसले के तरकश में कोशिश का तीर जिंदा रहेगा तब तक मेरे बेटा तुम्हें हराने वाला कोई नहीं है। अपने विश्वास को बनाए रखें, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें और उसी पर लगे रहें, आपको आपका यहाँ पर मुकाम जल्दी हासिल होगा। बस मेहनत करते रहिए फ्रेंड्स, मेहनत करते रहिए। आंसर कीजिए फ्रेंड्स फटाफट से कि त्रिपिटक पुस्तकें यहाँ पर प्रसिद्ध पुस्तक है किसकी बेटा, बौद्धों की। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाए, एक क्या होगा बेटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी आपको फ्रेंड्स के बारे में बताना है, उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी आपको फ्रेंड्स के बारे में बताना है। सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। शिवास बेटे शिवास आंसर कीजिएगा, उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी आपको फ्रेंड्स के बारे में बताना है। सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर दो कटक क्या थी बेटा, उड़ीसा की पूर्व राजधानी थी, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर दो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है आपको फ्रेंड्स बताना है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है। सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। यस फ्रेंड्स कि बेटा बहुत बढ़िया आंसर कीजिएगा कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, आपका फ्रेंड्स CaOCl2 है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है जो क्या होता है बेटा ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड क्या होता है बेटा ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक है, यस फ्रेंड्स आंसर कीजिएगा कि ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है आपने सभी दोस्तों फटाफट से करना है, क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, क्या होता है इसका मात्रक, फटाफट से आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। शिवास बेटे शिवास बहुत बढ़िया आंसर कीजिएगा कि ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, क्या होता है बेटा इसका मात्रक, फटाफट से आंसर करेंगे। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कैंडला, कैंडला क्या होता है बेटा ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर तीन कैंडला करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूटन का आविष्कार किसने किया था आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है, न्यूटन का आविष्कार किसने किया था। सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वेरी गुड फ्रेंड्स कि बेटा बहुत बढ़िया आंसर कीजिएगा कि न्यूटन का आविष्कार किसने किया था। सभी दोस्त फटाफट से आंसर कीजिएगा, भाई लाइक काउंटर को ऊपर लेके आएंगे सभी दोस्त, एक बार सभी दोस्त फटाफट से, यदि आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो लाइक काउंटर को भाई इक्वल लेके आए। आप लोगों के जितने फ्रेंड्स क्लास के अंदर हैं कम से कम आप लोगों का फीडबैक तो हमें मिले, जल्दी से सभी दोस्त लाइक काउंटर को ऊपर लेके आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और बच्चों की तरह एक दो ट्रॉफियां मत देना, ठीक है, लाइक किएगा ट्रॉफियों से पीछा नहीं छूटता है, आप लोगों के लिए सुबह से शाम तक खड़े रहते हैं और उसके बावजूद लाइक करते वक्त भाई साहबों का इतने हाथों में दर्द होता है जिसकी कोई याद नहीं। अरे इतनी कंजूसी, आपका फ्रेंड्स न्यूटन का आविष्कारक यहाँ पर आविष्कार किसने किया था, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर दो जेम्स चैडविक ने किया था। आपका फ्रेंड्स जेम्स चैडविक करेक्ट आंसर हो, आपका न्यूट्रॉन ये क्या है, न्यूट्रॉन है बेटा, ये क्या आपका न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को नहीं भाई, क्या है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था आपका फ्रेंड्स जेम्स चैडविक ने, ये बेटा लिखने में गलती हो रखी है, आपका क्या हो जाएगा जेम्स चैडविक, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर दो करेक्ट है। मैं भी करूँ न्यूट्रॉन का आविष्कार, वो तो आविष्कारक है ग्रेविटेशन फोर्स का। चलो भाई कोई बात नहीं हो जाता है। अगला क्वेश्चन है चकमा किस राज्य की प्रमुख जनजाति है, आपको फ्रेंड्स बताना है चकमा किस राज्य की
प्रमुख जनजाति है, आपको फ्रेंड्स के बारे में बताना है। वेरी गुड फ्रेंड्स, कृपया पंच कीजिएगा कि चकमा किस राज्य की प्रमुख जनजाति है, आपको फ्रेंड्स के बारे में बताना है। सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर। आपका फ्रेंड्स फटाफट से दीजिएगा, चकमा किस राज्य की प्रमुख जनजाति है, आपका बेटा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, मिजोरम की प्रमुख जनजाति क्या है बेटा, चकमा। और चकमा के साथ साथ लाखर, पावो, इसके बाद में आपका फ्रेंड्स मिजो, चकमा तो है ही, साथ ही साथ आपका फ्रेंड्स लुसाई और कुकी, ये जनजातियां जो कहां पर पाई जाती हैं आपके फ्रेंड्स मिजोरम में। मिजोरम में कौन कौन सी हैं, चकमा, लाखर, पावो, मिजो, कुकी और लुसाई, ये सारे की सारी जनजातियां कहां पर पाई जाती हैं आपके मिजोरम में। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 मिजोरम करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन आपके लिए फ्रेंड्स, नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ स्थित है, आपको फ्रेंड्स के बारे में बताना है। जो बच्चे एनडीए की स्पेशल तैयारी करने लग रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी फ्रेंड्स ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ स्थित है, यस फ्रेंड्स आंसर कीजिएगा कि नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ स्थित है, सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। वेल डन फ्रेंड्स, कि बेटा बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आपका फ्रेंड्स फटाफट से आंसर दीजिएगा कि नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ स्थित है, आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स आपका यहाँ पर कोलकाता में आप पूर्वी कमान, आपका फ्रेंड्स कहाँ पर है, विशाखापट्टनम में स्थित है, आपका फ्रेंड्स विशाखापट्टनम करेक्ट आंसर हो जाए। विशाखापट्टनम क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी फ्रेंड्स याद रखिएगा, आपका फ्रेंड्स विशाखापट्टनम क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके लिए, आपको फ्रेंड्स बताना है कोरबा किस राज्य की प्रमुख जनजाति है, कोरबा किस राज्य की प्रमुख जनजाति है, आपको फ्रेंड्स के बारे में बताना है। और ये जनजातियों वाले जो क्वेश्चन करवाने लग रही हूँ इनको ध्यान से कर लीजिए ताकि जब इनका मॉक टेस्ट आपको दिया जाए तो मॉक टेस्ट में आपकी किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे, ठीक है ना। आपकी फ्रेंड्स मॉक टेस्ट के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, जितनी भी आपके जनजातियों से क्वेश्चन आ रहे हैं सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से करें ताकि जब इनकी जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चन मैं कराऊं तो आप लोग वहां पर हंसते खिलखिलाते हुए क्या करें, उन क्वेश्चनों का आंसर दें। कोरबा किस राज्य की प्रमुख जनजाति है, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 छत्तीसगढ़ की, किसकी बेटा, छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति क्या है, आपकी कोरबा है, आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। सभी फ्रेंड्स याद रखेगा छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति क्या है बेटा, कोरबा, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने वाली विश्व का रिकॉर्ड किसने बनाया, आपको फ्रेंड्स बताना है सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने वालों में विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। वेल डन फ्रेंड्स, कि बेटा बहुत बढ़िया आंसर कीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 83 का, आपका फ्रेंड्स 2 है, सुनीता विलियम्स है जो सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला रही हैं, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके लिए, पानी की टंकी में काई को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पानी की टंकी में काय को रोकने के लिए, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा टंकियों के अंदर हरे हरे रंग का पदार्थ जम जाता है जिसको काई बोला जाता है, तो आपको फ्रेंड्स बताना है कि पानी की टंकी में काय को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर देगा ऑप्शन नंबर कॉपर सल्फेट का, किसका होता है, कॉपर सल्फेट का उपयोग होता है पानी की टंकी में काई को रोकने के लिए, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है डिसइंफेक्टेंट के तौर पर, ब्लीचिंग पाउडर किस लिए यूज होता है बेटा, डिसइंफेक्टेंट के तौर पर यूज होता है, और कॉपर सल्फेट किस लिए यूज होता है, काई से बचाने के लिए यूज होता है, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि डिसइंफेक्टेंट के तौर पर तो आपका ब्लीचिंग पाउडर बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर काई रोकने के लिए तो बेटा आपका क्या जाएगा, कॉपर सल्फेट आ जाएगा। गैस को जब
नियमित यहाँ पर नियमित ठंडा किया जाता है तो आयतन और तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? गैस को जब नियत ठंडा किया जाता है तो तापमान और आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं उन्हें बता दें फ्रेंड्स सुबह 6 बजे रहेगी आपकी करंट अफेयर की क्लास, 6:30 लोशन स्पीडी का महासंग्रह, 8:30 आपकी जनसाइंस की क्लास, 11 बजे रहेगी आपकी रीजनिंग की क्लास। तो जिन फ्रेंड्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? दोनों घटता है। क्या होता है बेटा? दोनों घटता है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। जब आपका बेटा नियत ताप यहाँ पर नियत ठंडा किया जाता है किसको? गैस को। तो उस टाइम पर आयतन और तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोनों घटते हैं। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तलचर किस लिए प्रसिद्ध है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तलचर किस लिए प्रसिद्ध है? सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? वेल डन फ्रेंड्स, की बेटा बहुत बढ़िया आंसर कीजिएगा कि तलचर किस लिए प्रसिद्ध है। सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, भारी जल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है बेटा? भारी जल यानी कि हैवी वाटर के लिए प्रसिद्ध है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, भारी वाटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारी जल क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस देश में मुद्रा स्फीति होने से सबसे अधिक लाभ किसे होता है? किसी देश में मुद्रा स्फीति होने से सबसे अधिक लाभ किसे होता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस फ्रेंड्स आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? मेहनत का फल और समस्या का हल। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। आपको कोई प्रॉब्लम है मान लीजिए आपकी लाइफ के अंदर, तो हो सकता है कि उसका हल मिलने में आपको समय लग जाए, या फिर आपकी यहाँ पर सफलता है, सफलता के अंदर हो सकता है कि कुछ है, आपको अधिक समय लग जाए, लेकिन बेटा आपकी मेहनत है उसका फल आपको जरूर मिलेगा। आपकी मेहनत को कोई नहीं रोकने वाला। वेरी गुड फ्रेंड्स, आंसर कीजिएगा कि आपसे बेटा पूछा गया किस देश में मुद्रा स्फीति होने से सबसे अधिक लाभ होता है? आपका फ्रेंड्स लेनदार को। आपका ऑप्शन नंबर 3, लेनदार करेक्ट आंसर होगा। लेनदार क्या होगा बेटा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, बिंदास होके जाना है और अपने यहाँ पर सिर्फ एक बात को याद रखना है, यू आर द बेस्ट, ठीक है ना? आप लोग कहीं भी पर जाएं, कहीं भी जाएं, अपने आप को बेस्ट समझे, दूसरों से यदि कंपैरिजन करने लगे तो बेटा आप कभी भी अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सक्सेसफुल क्या वो कहते हैं ना, जिद, यहाँ पर क्या, जलो मत रीस करो कि उसके पास ये चीज है, आखिर वो इसके काबिल है तो मैं क्यों नहीं हो सकता। सिर्फ मेहनत पर फोकस कीजिए। आपको फ्रेंड बताना है शीशे का सिक्का किस वंश के शासकों ने बनवाया था? आपका फ्रेंड सातवन के शासकों में सातवाहन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सातवाहन क्या होगा बेटा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। हो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? आपको फ्रेंड्स बताना है कि हो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड फ्रेंड्स, की बेटा आंसर कीजिएगा कि हो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। मनोबल टूटना स्टार्ट हो गया, लड़खड़ाने तुम्हारे पैर लग गए हैं, संभल जाइए, ठीक है ना? मेरे सिरों संभल जाइए, पैरों को लड़खड़ाने से काम नहीं चलेगा। हो जनजाति बेटा कहाँ की है? आपकी झारखंड की है। आपका फ्रेंड्स झारखंड करेक्ट आंसर, झारखंड क्या होगा बेटा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। गैलनाइजेशन में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? गैलनाइजेशन में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड फ्रेंड्स, की बेटा पास कीजिएगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सुभाष मेरे शेरों फटाफट से पूछिएगा कि आपको बेटा बताना है कि गैलनाइजेशन प्रोसेस में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है, क्या हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? सुभाष बेटे सुभाष बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन आप किसके लिए है, क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर? आपका फ्रेंड्स गैलनाइजेशन प्रोसेस किसके लिए होता है? लोहे को जंग से बचाने के लिए। गैलनाइजेशन प्रोसेस का हम यूज क्यों करते हैं? लोहे को जंग से बचाने के लिए। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, जस्ता। क्या होता है? जिंक होता है। आपका फ्रेंड्स जिंक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए आपको फ्रेंड्स बताना है जयंतिया कहाँ की प्रमुख जनजाति है? यस फ्रेंड्स आंसर कीजिएगा कि जयंतिया किसे कहाँ की प्रमुख जनजाति है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी दोस्त फटाफट से ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जयंतिया कहाँ की प्रमुख जनजाति है?
आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है क्या होगा इस बेहतरीन क्वेश्चन का बेहतरीन आंसर। वेल डन बेटा, क्यों बेटा, बहुत बढ़िया, बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा जयंतिया बेटा कहाँ की है, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर एक मेघालय की है। कहाँ की बेटा, मेघालय की जनजाति है कौन सी, जयंतिया, गारो, खासी, इसके बाद में आपका फ्रेंड्स जयंतिया और मिक्कर, ये चार जनजातियां हैं आपकी। मेघालय के अंदर सिर्फ चार ही जनजातियां कौन कौन सी, एक तो बेटा आपकी गारो, दूसरी खासी, तीसरी जयंतिया और चौथी कौन सी होगी आपकी मिक्कर। ये चार जनजातियां जो कहां पर पाई जाती हैं आपकी फ्रेंड्स, मेघालय के अंदर पाई जाती हैं। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका उपयोग है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है, किसका उपयोग है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया आंसर कीजिएगा। किसका उपयोग है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेल डन फ्रेंड्स, की बेटा आंसर कीजिएगा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर रिएक्टर स्केल के ऊपर भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। आपका फ्रेंड्स रिएक्टर स्केल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है, आपका फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड फ्रेंड्स, की बेटा बहुत बढ़िया आंसर कीजिएगा कि यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर तीन कनाडा। आपका फ्रेंड्स कनाडा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कनाडा क्या होगा बेटा, करेक्ट आंसर जगह सभी फ्रेंड्स याद रखिएगा। एथलीट फुटे बीमारी होती है, एथलीट फुटे नामक बीमारी होती है, किसकी होती है आपको बेटा इसके बारे में बताना है। एथलीट फुटे नामक बीमारी होती है, किससे संबंधित है आपको बेटा इसके बारे में बताना है। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है, इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है लेकिन किस्मत और नसीब नहीं। यदि आपको किस्मत और नसीब को साथ लेके चलना है या दूसरों के बराबर स्टेटस करना है तो उसके लिए मेहनत ही आपका क्या है, एक अस्त्र है। ठीक है ना, आप लोग बेटा कॉपी कर सकते हैं दूसरों को देखकर, लेकिन हम सोचें कि भाई कोई यदि अमीर के घर में पैदा हुआ, हम गरीब के घर में पैदा हुए हैं तो हम उसकी क्या नहीं कर सकते, उसके नसीब को अपना नहीं बना सकते। लेकिन एक चीज है जो उससे ऊंचा हमें बना सकता है, वो है हमारी क्या, मेहनत। यदि हम चाहें तो यहाँ पर मेहनत करके अपनी रुतबा है, साथ ही साथ अपना इतिहास है, उसको चेंज कर सकते हैं। तो बेटा मेहनत करते रहिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, समय आपका भी आएगा। आपका फ्रेंड्स एथलीट फुट बीमारी होती है किससे, फफूंदी से। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर दो फफूंदी करेक्ट आंसर हो जाए। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेल डन फ्रेंड्स, की बेटा पंच कीजिएगा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी दोस्त ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। शबाश बेटे शबाश, बहुत बढ़िया, बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर तीन सर सैयद अहमद खां थे। कौन थे बेटा, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खां थे। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर तीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके लिए, स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य किस रंग का होता है, स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य किस रंग का होता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड फ्रेंड्स, की बेटा बहुत बढ़िया आंसर कीजिएगा। स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य किस रंग का होता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड फ्रेंड्स, की बेटा बहुत बढ़िया आंसर कीजिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर दो करेक्ट आंसर जगह नीला। नीले रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है बेटा, सबसे कम होता है। आपका यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग विपिग्रों में आपका फ्रेंड्स क्या होता है, नीले रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीला रंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीला रंग क्या होगा बेटा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके लिए, आपको फ्रेंड्स बताना है विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र कौन है, विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, मैंने गणतंत्र बोला है, कभी इस क्वेश्चन को गलत कर लो। पहले बता रही हूँ कि आपको मैंने गणतंत्र बोला है, कर दी गलती,
गणतंत्र और देश दोनों अलग शब्द हैं। क्या है? दोनों अलग शब्द है। मैंने क्या पूछा है तुमसे? गणतंत्र है, और तुम क्या बताने लग रहे हो? देश। आपका फ्रेंड सबसे छोटा देश कौन सा? वेटिकन सिटी है, वो बिल्कुल सही है, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स मैंने आपसे क्या पूछा है? गणतंत्र पूछा है। तो नोरू क्या है? सबसे छोटा गणतंत्र है। सबसे छोटा गणतंत्र कौन है फ्रेंड्स? आपका नोरू है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर तीन करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर तीन क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी। सभी मेरे प्यारे दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हुए सभी? आपके चैट बॉक्स में जो ब्लू कलर की लाइन है, करंट अफेयर का लिंक है, फटाफट से 10 मिनट की करंट अफेयर है, सभी बच्चे फटाफट से देख लेंगे। जो भी चैनल पर नए हैं, पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको प्रतिदिन समय पर क्लासेज मिलती रहें। प्रतिदिन सुबह पहली क्लास आपकी यदुवंशी लाइव क्लास पर ही होती है, आप सभी को पता है। जो नए हैं वो लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो यदुवंशी सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब कर रखा है वो इसको भी कर लें, फटाफट से कर लें बेटा। नमस्कार सभी को, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपकी करंट अफेयर अटेंड करने के बाद आपका यदुवंशी सक्सेस पॉइंट पर लूसेंट जीके की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। सभी बच्चे आपसे अनुरोध है कि क्लास को पूरा देखें, उसके बाद फीडबैक दें। आप लोगों के लिए ज़बरदस्त मेहनत करके ये करंट अफेयर तैयार की जाती है, बहुत मेहनत जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। तो आप लोग भी अपना फीडबैक पूरा दें। आप लोगों से अनुरोध है कि पूरी क्लास को देखें। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों आपके चैट बॉक्स में जो ब्लू कलर की लाइन है उसको उंगली से टच कीजिए और क्लास में पहुंच जाइए। चलिए बेटा फटाफट से क्लास में पहुंचिए। आपके चैट बॉक्स में जो ब्लू कलर की लाइन है उसको आपको टच करना है और क्लास में पहुंचना है। सभी बच्चे फटाफट से क्लास में पहुंचेंगे। आपके चैट बॉक्स में जो ब्लू कलर की लाइन है उसको टच कीजिए बेटा, फटाफट से सभी बच्चे पहुंच जाइए। ए टू जेड बच्चे पहुंचने चाहिए बेटा, सभी के कमेंट आने चाहिए, कमेंट कीजिए। हाँ बेटा 6:30 वाली लाइव होगी, आप ये देख लीजिए जा करके, 6:30 वाली लाइव होगी, नेक्स्ट क्लास होगी 6:30 वाली, लेकिन इसको देख लीजिए, उसके बाद वहाँ पर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा फास्ट करके इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। अभी स्टार्ट नहीं किया है तो आप लोग फटाफट से करंट अफेयर को देख लीजिए। पहले करंट अफेयर को देख लीजिए। दैनिक भास्कर अपनी करंट अफेयर होती है, कभी भी आपको अगर नहीं मिलती है, आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो लिखिए। आज जैसे 5 तारीख है, 5 मई 2021 दैनिक भास्कर, 5 मई 2021 दैनिक भास्कर आज का अखबार लिखा मिलेगा, वही आपकी करंट अफेयर है बेटा, वही आपकी करंट अफेयर है। चलो बेटा चलो, 115 बच्चे अभी भी बैठे हुए हैं बेटा, 115 बच्चे अभी भी बैठे हुए हैं। चैट बॉक्स में जो ब्लू कलर की लाइन है ना उसको टच करें और पहुंच जाएं फटाफट से। अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो सीधा काम है, सर्च बार में लिखिए 5 मई 2021 दैनिक भास्कर, आपके सामने आ जाएगी करंट अफेयर। फिर भी आप लोग नहीं पहुंचते हैं, पता नहीं क्या दिमाग है। हाँ 5 मई 2021 दैनिक भास्कर लिख दीजिए, आपका करंट अफेयर आपके सामने आ जाएगा, वहां लिखा मिलेगा 5 मई 2021 आज का अखबार मुख्य समाचार। चलिए बेटा फटाफट चलिए, 103 बच्चे अभी बैठे हुए हैं, जल्दी चलो बेटा जल्दी चलो, सभी बच्चे फटाफट पहुंचो। आपके चैट बॉक्स में जो ब्लू कलर की लाइन है उसको टच करें। चलो बेटा चलो, चलो फटाफट पहुंचो।
हाँ ये क्लास खत्म होगी, अभी यदुवंशी सक्सेस पॉइंट पर क्लास होगी बेटा। यदुवंशी सक्सेस पॉइंट पर क्लास स्टार्ट होगी अब, यदुवंशी सक्सेस पॉइंट पर क्लास स्टार्ट हो जाएगी अभी। आपकी 6:30 वाली लूसेंट जीके की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, आप लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। यदुवंशी सक्सेस पॉइंट YSP लाइव क्लास कुछ भी सर्च कीजिए और क्लास के साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये अपना सेकंड चैनल है। अब क्लास चलेंगी मेन चैनल के ऊपर, ये अपना सेकंड चैनल है, अभी मेन चैनल के ऊपर क्लासेज चलेंगी। तो फटाफट से जो चैट बॉक्स में ब्लू कलर की लाइन है उसको टच कीजिए और आप क्लास को अटेंड कर लीजिए, वहीं जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहीं पर आप जो सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो क्लास आपको चलती हुई मिल जाएगी। तब तक मैं स्टार्ट करता हूँ, आप लोग करंट अफेयर को सभी बच्चे अटेंड कर लीजिए। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।